उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी, समाजवादी पार्टी से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तेज प्रताप यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जिसमें तेज प्रताप यादव सपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव है, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर अखिलेश यादव ने मोहर लगाई है। तेज प्रताप के नाम पर समाजवादी पार्टी की मोहर लगी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। यानी कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में तेज प्रताप यादव नजर आएंगे। शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, सूत्रों के हवाले से खबर है। तेज प्रताप को प्रसपा का भी समर्थन मिलेगा। सबसे पहले जीयूपी ने तेज प्रताप के नाम पर सैफई परिवार की सहमति की खबर चलाई थी। अतुल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अतुल, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? देखिए जी, यूपी ने इस खबर को सबसे पहले चलाया था, बोला। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अब यह बात कुछ साफ हो गई है कि तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी की ओर से उपचुनाव लोकसभा मैनपुरी के लिए प्रत्याशी होंगे। साफ तौर पर जी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। जी न्यूज ने जो खबर चलाई थी उस पर अखिलेश यादव की मोहर लगी है। जी, शिवपाल यादव का क्या स्टैंड है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, कुछ बात निकलकर सामने आई है? लेकिन साफ तौर पर परिवार की बात करें तो जीयूपी ने सबसे पहले यह दिखाया था, लगातार दिखाया था कि परिवार में जो है वो मंथन चल रहा था किस प्रत्याशी को मैनपुरी की सीट पर चुनाव लड़ाया जाए, इस पर मंथन चल रहा था। बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तेज प्रताप के नाम को उन्होंने प्रपोज किया था, तेज प्रताप का नाम उन्होंने रखा था, जिसके बाद में तेज प्रताप को परिवार की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के अधिकतर प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप यादव मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे। जी, शिवपाल यादव पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, अब किसी तरह का कोई अब मनभेद या मतभेद नहीं है? बिल्कुल, खबरें यही आ रही हैं कि पार्टी और परिवार में किसी तरीके का मनभेद नहीं रह गया है, क्योंकि पूर्व सांसद मैनपुरी तेज प्रताप यादव जो है वो सपाजी टिकट पर जब चुनाव लड़ेंगे तो प्रसपा का भी उनको समर्थन मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकतर प्रत्याशी के रूप में उनको मैदान में उतारा जाने वाला है। जी विशाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। विशाल, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, हालांकि ये खबर हमने पहले ही बता दी थी और उस खबर पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तेज प्रताप के लिए सबसे पहले जी मीडिया ने बताया था कि तेज प्रताप ही अब मैनपुरी से उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के, क्योंकि जहां तक समीकरण देखने को मिला है कि शिवपाल यादव तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर विरोध करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि शिवपाल यादव का स्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी था और धर्मेंद्र यादव को लेकर तमाम तरह की विभिन्न जो मत थे वो सामने आ रहे थे। ऐसे में अब चूंकि लड़ाई जो है वो बीजेपी और सपा के बीच में होनी है और प्रसपा का रोल एक बेहद अहम रोल होगा, और इसी वजह से तेज प्रताप यादव का नाम लगभग फाइनल हो गया है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर सहमति जता दी है। आज चुकी सफाई पहुंचे थे अखिलेश यादव और सबकी निगाहें अखिलेश यादव पर थी, और यह बताया जा रहा था चूंकि 10 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और उससे पहले लिस्ट जारी होनी है, चाहे वो मैनपुरी की सीट हो चाहे वो रामपुर की सीट हो, और इन दोनों ही सीटों को समाजवादी पार्टी नहीं गंवाना चाहती है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ की सीट गंवाने के बाद शायद समाजवादी पार्टी मंथन करना शुरू कर चुकी थी, और इसीलिए तेज प्रताप का नाम आई किया गया है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव बहुत ज्यादा मानते थे प्रताप यादव को, और यही बताया कि तेज प्रताप को वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा ताकि परिवार में विरोध ना हो और जो बीजेपी का काम होता था। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।